देखिए 23 दवाओं को बिना टेंडर के अनुमति लेकर खरीदारी की गई है। 17 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ जिसमें मल्टी विटामिन सिरप के साथ 70 लाख बॉटल खरीदी का ऑर्डर किया गया, जबकि उस विभाग के कुछ अधिकारियों ने लिखित रूप में इस चीज़ को दिया था कि 200 ml सिरप की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले टेबलेट लिया जा सकता है या 100 ml का लिया जा सकता है, क्योंकि 200 ml लेने से नुकसान होगा। उसके बावजूद इनके द्वारा वो खरीदारी की गई, अति आवश्यक दवा बताई गई, मगर अति आवश्यक दवा को खरीदने और सप्लाई करने के बीच में 15 महीने का वक्त लगा दिया गया। तो फिर ये कैसी अति आवश्यक दवा है? इस खरीदारी में सारे नियम कानून को तोड़ मरोड़ कर ताक में रखकर भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए का किया गया है। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उसके बिल पे पेमेंट ना करके दूसरे नाम पे पेमेंट किया गया है। बहुत सारी खामियां हैं इसमें। आज इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने मंत्री जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इन्हें तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है 15 दिन के बाद तो हम लोग इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी थाने में, ईओडब्ल्यू में जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे जब तक इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। For more information, log on to www.clips.in.